अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम वाइटी फैमिली को खुश आमदीद कहते हैं। तो जी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आलू का पुलाव। चलें जी स्टार्ट करते हैं जी, और आपको बताते हैं जी आलू का पुलाव जी किस तरीके से बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमने आयल ले लिया है। तो जी आयल में जो है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाल के जी हम इसकी जी अच्छे से जी हम भुनाई कर रहे हैं। साथ ही जो इसमें जी गरम मसाले शामिल करेंगे जी, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पत्ते, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची वगैरह जी हमने इसमें शामिल कर दिए। साथ ही जो है अब हम जी इसकी जी भुनाई भी कर रहे हैं, तो जी आप लोग देख भी सकते हैं इस टाइम पे। अब जो है अब हम जी इसमें दही शामिल करेंगे, तो जी आप लोग देख सकते हैं जी इस टाइम पर जी दही भी जो हमने शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद जी इसको जी अब अच्छे से जी अब हम मिक्स करेंगे और जी इसकी जी अब भुनाई भी करेंगे। तो जी भुनाई चूँकि है, साथ ही जब जी अब इसमें जी पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं जी वो बना रहे हैं जी आलू का पुलाव जी। पानी शामिल हो चुका है, तो जी अब जी पानी का जी अच्छे से जी हम बॉईल करेंगे, फिर हम जी इसमें चावल शामिल करेंगे। तो जी इससे पहले जी अब हम जी नमक शामिल करेंगे। नमक जी अब इसमें हसब ज़रूरत जी इसमें नमक शामिल करेंगे। तो जी आप लोग देख सकते हैं जी नमक भी इसमें शामिल हो चुका है। तो साथ ही जो इसमें जी खुशबू के लिए जी केवड़ा भी इसमें हम शामिल कर देंगे। तो जी केवड़ा शामिल हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं जी चूल्हे की आँच जो है तो जी वो भी तेज़ है। तो जिसमें जी अब हम जी हरी मिर्च शामिल करेंगे, तो जी हरी मिर्च जो है हमने मोटी मोटी जी कूट के जी हमने इसमें शामिल कर दी है। तो जी ज़्यादा बारीक हरी मिर्चें नहीं करी हमने, जो है हल्के से जी दर दर से जी हरी मिर्च कूट के जी हमने शामिल कर दी है। साथ ही जो है अब हम इसमें आलू बुखारा शामिल करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जी उबाल भी जिसमें अच्छे तरीके से जी आ चुका है। तो जिसको जी थोड़ा सा जी पानी भी आप जी हम थोड़ा सा पकाएंगे। साथ ही जो आप लोग देख भी सकते हैं जी माशाल्लाह कितने अच्छी तरीके से जी उबाल भी आ चुका है। तो जी जो हमने चावल को जी पहले से जी भिगो के रखा हुआ था, तो जी वो अब हम जी इसमें शामिल करेंगे। चावल जी हमने लिया है जी बासमती चावल। तो जी चावल शामिल हो चुका है जी। चावल शामिल होने के बाद जिसको जी अब हम जी कफगीर की मदद से जी अच्छे से जी अब हम मिक्स भी कर देंगे, और साथ ही जो है नमक भी जी हमने चेक भी कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जी इस टाइम जो है लज्जत कड़ा पकवान पे जो है आलू का पुलाव जो है वो तैयार किया जा रहा है बगैर अजीनामोतू यानी कि जी चाइनीज सॉल्ट के। तो जी लज्जत कड़ा पकवान में जो भी खाने तैयार होते हैं, तो जी वो चाइनीज सॉल्ट यानी कि जी अजीनामोतू के बगैर खाने तैयार किए जाते हैं। तो जिस तरह पहले हमने जी पानी का जी बॉयल होने का इंतज़ार किया था, तो इसी तरीके से जो है अभी भी जो अब हम जी इसका जी उबलने का जी इंतज़ार करेंगे। तो देख सकते हैं जी अच्छी तरीके से जी पानी भी जी इसमें उबल चुका है जी, चावल भी जी इसमें अच्छी तरीके से जी उबल चुके हैं। साथ ही जो है आप लोग देख भी सकते हैं, और जी अब हम जी अब इसको जी ढक्कन से जी कवर कर देंगे जी तकरीबन जी 20 मिनट के लिए, और ऊपर जो है हम दस्तर रख देंगे ताकि जो है स्टीम जो है स्टीम में जी अच्छे से जी पक जाए। तो जी तकरीबन जी 20 मिनट के लिए जी हमने पुलाव को जी दम पे रख दिया है। तो जी तकरीबन 20 मिनट बाद जी ढक्कन जी हमने रिमूव कर दिया जी। माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा जी बहुत ही मज़ेदार सी पुलाव में से जी खुशबू भी आ रही है, और साथ ही जो आप लोग देख भी सकते हैं जी चावल की जो लंबाई है, तो जी वो भी आप लोग देख सकते हैं जी कितने अच्छी जो है चावल की जो लेंथ है, तो जी वो है। और साथ ही जो है आप लोग देख भी सकते हैं जी इस टाइम पे पुलाव जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयार हो चुका है। और अब हम जी इसमें जी ऊपर से जी थोड़ा ऑयल भी लगाएंगे, तो चावल पुलाव को जी अच्छे से जी जब हम मिक्स कर देंगे, तो उसके बाद जी फिर हम पुलाव में जी हम ऑयल शामिल करेंगे। चलें जी फिर अपनी वीडियो को फिर अपनी यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से जी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।